आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और इसका इस्तेमाल और इसके फ़ायदे क्या है। कोई भी कंप्यूटर जो है बगैर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं चल सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए कंप्यूटर हमारा बूट करता है, यानी बूट का मतलब कंप्यूटर चलता है। इस वक्त हमारे पास मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडोज 7 है, जो कि इस वक्त एक्सपायर हो चुका है। विंडो 10 और 11 इस वक्त का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी आप इंस्टॉल करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है, और उसके बाद जो है बाकी उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग इंस्टॉल करेंगे एप्लीकेशन, जैसे कोरल की एप्लीकेशन होगी, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट वगैरह, ये तमाम एप्लीकेशन और बाकी तमाम एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होती। ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपके तमाम कंप्यूटर को मैनेज करना होता है, आपकी फ़ाइलों को सेव करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, फ़ाइलों को डिलीट करना ये ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्शन मिलती, फ़ाइल को कहाँ पर सेव करना, किस मीडिया के ऊपर सेव करना, ठीक है ना, और फ़ाइल को बाद में अनडिलीट करने के लिए भी आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम से ही एक्सेस लेते हैं। तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बेसिकली बहुत ज़रूरी होता है।